प्रेज द लॉर्ड। जयसु आप सबों को, और एक बार फिर से प्रभु यीशु के महान पवित्र और शक्तिशाली नाम पर मैं आप सबों को अभिवादन करता हूं और साथ ही साथ इस प्रार्थना में स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर हमेशा हमेशा बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, हम प्रभु के महान चिन्ह चमत्कारों के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया करें और उससे प्रार्थना किया करें कि प्रभु तेरी उपस्थिति, तेरी महिमा, तेरा जलाल हमारे संग संग चले, संग संग रहे। हम जहां कहीं जाएं, जहां कहीं बैठें, जहां कहीं काम करें, जिस किसी से मिलें, जो योजना हम बनाएं, जब हम परिवार के साथ बैठते हैं, जब अकेले हैं, जब किसी से मिलने जा रहे हैं, जब गाड़ी चला रहे हैं, जब कोई काम कर रहे हैं, तेरा जलाल तेरी महिमा हमें घेरे रहे, प्रभु की उपस्थिति हमें घेरे रहे। आप जानते हैं प्रभु की उपस्थिति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। प्रभु की उपस्थिति ही हमारे जीवन में बदलाव लाती है। आप जिस किसी की उपस्थिति में रहेंगे या जिस किसी की संगति में रहेंगे, बाइबल कहती है कि आप वैसा ही बन जाते हैं। जैसी संगति होगी वैसे ही हम बनते हैं। तो क्यों ना हम प्रभु की उपस्थिति में रहें, क्यों ना हम प्रभु की संगति में रहें। अगर हम प्रभु की संगति में रहेंगे, प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, तो हम किसके जैसा बनेंगे? प्रभु जैसा बनेंगे। उसका जलाल हम पर छाया रहेगा, उसकी महिमा हम पर छाई रहेगी, उसकी कृपा हमें घेरे रहेगी, उसका अभिषेक हमें घेरे रहेगा। इसीलिए हमें ये कोशिश करनी है कि हम प्रभु की उपस्थिति में रहें, प्रभु का जलाल हम पर छाया रहे, प्रभु का अनुग्रह हम पर छाया रहे। और इसके लिए आपको और मुझे निरंतर प्रार्थना में लगे रहना होगा। पौलुस कहते हैं आप लोग निरंतर प्रार्थना करते रहें, आत्मा में लगे रहें। चाहे हम काम कर रहे हो, चाहे हम कहीं जा रहे हो, किसी से मिले हो, आत्मा में निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना चलनी चाहिए। इस तरह से हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु का आत्मा, प्रभु की उपस्थिति हमें घेरे रहती है। और जब उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में होगी, उसका तख्त हमारे जीवन में होगा, हमारे लिए बहुत कुछ आसान होगा। बहुत कुछ क्या, सब कुछ आसान लगेगा। इसलिए आज हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद रखें, प्रभु की उपस्थिति को इस समय अपने करीब अनुभव करें, उसका तख्त अपने जीवन में लगे रहने दीजिए, अभिषेक छाने दीजिए, आपको घेरने दीजिए इस समय प्रभु की उपस्थिति को। आप जहां कहीं भी इस समय हैं, इस प्रार्थना में पूरी तरह से जुड़ जाना मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु से कहना, प्रभु तेरा सिंहासन, तेरा तख्त मेरे जीवन में लगे और जलाल छाए, जलाल छाए प्रभु, जलाल छाए, तेरा अभिषेक छाए प्रभु, तेरी उपस्थिति छाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रार्थना करते जाएं इस समय, आपके जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें, जिस काम को आप करने जा रहे हैं उसे प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें, आपके जीवन की हर बीमारी को, हर योजना को, हर काम को इस समय प्रभु के हाथों में समर्पित करते जाएं। अभिषेक छाए आपके जीवन पर इस समय, अभिषेक छाए, उपस्थिति प्रभु की उपस्थिति आने पाए, हर बंधन आपके जीवन से खुले, मेरे जीवन से खुले,
धन्यवाद यीशु। अपने शब्दों में इस समय प्रभु की स्तुति करते जाएंगे, तारीफ करते जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुंह अपना खोलेंगे, प्रभु की तारीफ करें, स्तुति करें। ऊंचे सिंहासन पर विराजमान प्रभु की तारीफ करते जाएं। वो जो बड़ा है, वो जो महान है, वो जो विशाल है, वो जो परम पवित्र है, वो जो स्वर्ग दूतों का भी न्याय करता है, वो जिसके अधीन सब कुछ है, वो जिसके अधीन पृथ्वी और आकाश है, वो आकाश जिसका सिंहासन, पृथ्वी जिसका पांवदान है, उस प्रभु की स्तुति करें, तारीफ करें। बादलों को अपने अधीन रखने वाला, समुद्र जिसकी आज्ञा मानते हैं, आंधी जिसकी आज्ञा मानती है, उस प्रभु की तारीफ करें, स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तख्त तेरा लग जाए खुदावंद यहोवा एलोहीम, खुदावंद यहोवा एलोहीम कहे कहे कहे। तख्त तेरा लग जाए खुदावंद यहोवा एलोहीम, खुदावंद यहोवा एलोहीम। तख्त तेरा लग जाए खुदावंद यहोवा एलोहीम, खुदावंद यहोवा एलोहीम कहे कहे। तख्त तेरा लग जाए खुदावंद यहोवा एलोहीम, खुदावंद यहोवा एलोहीम। जलाल तेरा छा जाए कहे कहे कहे। जलाल तेरा छा जाए, 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 है जलाल तेरा छा जाए, जलाल तेरा छा जाए खुदावंद यहोवा एलोहीम, खुदावंद यहोवा एलोहीम। तख्त तेरा लग जाए, तख्त तेरा लग जाए खुदावंद यहोवा एलोहीम, खुदावंद यहोवा एलोहीम। हाँ, आहा।
जलाल तेरा छा जाए, 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 खुदावंदिया होवा एलोही, खुदावंदिया होवा, तख्त तेरा लग जाए, खुदावंदिया होवा एलोही, खुदावंदिया होवा एलोही, हो तख्त तेरा लग जाए, खुदावंदिया होवा एलोही, खुदावंदिया होवा एलोही, जलाल तेरा छा जाए, 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 खुदावंदिया होवा एलोही, खुदावंदिया होवा जाए, खुदावंदिया होवा एलोही, खुदावंदिया होवा एलोही, फिर से तख्त तेरा लग जाए, खुदावंदिया होवा एलोही, खुदावंदिया होवा एलोही, तख्त तेरे से नजात का दरिया, शिफा का दरिया बहे, तख्त तेरे से नजात का दरिया, शिफा का दरिया बहे, मखलसी जो पाना चाहे यीशु नाम जपे, मखलसी जो पाना चाहे यीशु नाम जपे, दीप बुझा जल जाए, खुदावंदिया होवा एलोही, खुदावंदिया होवा एलोही, दीप बुझा जल जाए, खुदावंदिया होवा एलोही, खुदावंदिया होवा एलोही, ओ तख्त तेरा लग जाए, खुदावंदिया होवा एलोही, जलाल तेरा छा जाए, जलाल तेरा छा जाए, जलाल तेरा छा जाए, गाओ गाओ, जलाल तेरा छा जाए, जलाल तेरा छा जाए, खुदावंदिया होवा एलोही, तख्त लगाए प्रश्न में तू और करे निसार,
शफकत में रहमा। गुस्से में तू धीमा है और शफकत में रहमा। काली घटा छट जाए खुदावंद यहोवा एलोही, खुदावंद यहोवा एलोही। हाँ काली घटा छट जाए खुदावंद यहोवा एलोही, खुदावंद यहोवा एलोही। जलाल तेरा छा जाए, जलाल तेरा छा जाए, जलाल तेरा, जलाल तेरा छा जाए, जलाल तेरा छा जाए, जलाल तेरा छा जाए, जलाल तेरा छा जाए, जलाल तेरा छा जाए। Yeah.
लग जाए। खुदावन यहोवा एलोही, खुदावन यहोवा एलोही, तख्त तेरे के लग जाने से मुश्किल हो आसान, तख्त तेरे के लग जाने से मुश्किल हो आसान। गुस्से में तू धीमा है और शफकत में रहमान, काली घटा छा जाए, खुदावंद यहोवा एलोही, खुदावंद यहोवा एलोही, दीप बुझा जल जाए, खुदावंद यहोवा एलोही, खुदावंद यहोवा एलोही। आपके जीवन में प्रभु का जलाल छाए इस समय, आपके परिवार में प्रभु का जलाल छाए इस समय, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके पति आपकी पत्नी में प्रभु का जलाल छाए इस समय। प्रार्थना करें, आपकी बीमारी यीशु के नाम से इसी समय जाती रहे, उसके तख्त लगने से सब कुछ आसान होता है। अपने दोनों हाथों को खोल कर इस समय ग्रहण करें, रिसीव करें यीशु के नाम से, रिसीव करें अपनी हीलिंग्स को, अपने मस्से को, अपने चमत्कारों को, अपने चिन्हों को रिसीव करें इस समय। यीशु ने कहा, मेरा नाम लेकर तुम जो कुछ पिता से मांगोगे पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। इस समय हम मांगते हैं यीशु के नाम पर, आप मस्से से भर जाओ, अभिषेक से भर जाओ, प्रभु का जलाल इस समय आप पर छाए, अभिषेक छाए, हर प्रकार का बंधन आपकी जीवन से इसी समय टूट जाए, उसके तख्त लगने से जो जलाल, जो महिमा, जो अनुग्रह है, जो शांति, जो प्रेम, जो आनंद बहता है वो इस समय आपको मिले, ग्रहण करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्रहण करते जाओ, ग्रहण करते जाओ। आप जहां कहीं भी इस समय हैं, अगर आप बहुत लंबे समय से बिस्तर पर पड़े हैं, उठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, जरूरी काम नहीं कर पाते हैं, इस समय यीशु मसीह नाजरी के नाम पर अपनी चंगाई को इसी समय ग्रहण करो, रिसीव इट बाय फेथ। हालेलुया। प्रभु, जिनकी जिंदगी में आशा का दीप बुझ गया, कुछ है नहीं, जिंदगी सुनी सुनी सी लगती है, खाली खाली है, सब कुछ अंधेरा अंधेरा है, ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं है, ऐसी जिंदगियों में जलाल छाए, जलाल छाए प्रभु, जलाल छाए। जिनका सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, यीशु के नाम पर ऐसे लोगों में जलाल छाए। यीशु, तूने कहा चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ। प्रभु, इनमें से जितने लोगों के जीवन में चोर ने चुराया, नष्ट किया, बर्बाद किया, यीशु आपके नाम से इसी समय रिकवर होने पाए, जीवन पाए। जलाल तेरा छा जाए,
जलाल तेरा छा जाए। रोगियों में जलाल तेरा छा जाए, निराश और टूटे लोगों में तेरा जलाल छाए प्रभु जी। जलाल तेरा छा जाए, मन से दुखी लोगों में, बंधनों में पड़े लोगों में तेरा जलाल छाए। जलाल तेरा छा जाए, जलाल तेरा छा जाए, हाय जलाल तेरा छा जाए, जलाल तेरा छा जाए, ओ जलाल तेरा छा जाए, मस्सा तेरा छा जाए, खुदावंद यहोवा एलोही, खुदावंद यहोवा एलोही, हाँ जलाल तेरा छा जाए, खुदावंद यहोवा एलोही, प्रभु जितने भी लोग इस समय यहाँ पर हैं, जितने लोग हमें इस समय अपने घर में, मोबाइल में, टीवी में देख रहे हैं, यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों में मस्सा उतरने पाए, जलाल उतरने पाए, इसी समय आपके स्पर्श को अनुभव करें, तेरा दाहिना हाथ प्रभु ये अपने ऊपर आता हुआ ग्रहण और प्रभु देख पाए, यीशु के नाम से इन परिवारों में शांति आने पाए, आनंद आने पाए, जलाल छाए, अभिषेक आए, आत्मा के आनंद से ये लोग भर जाएं, तेरा आत्मा इसी समय इन पर छाए और इनके परिवारों में मंडराए, जो इनके लिए असंभव है वो संभव बन जाए, जो इनके लिए कठिन है वो आसान बन जाए, जिनके रास्ते बिगड़ गए हैं वो रास्ते प्रभु जी फिर से नए कर देना यीशु के नाम से, जिनकी जिंदगियों में शैतान ने काम किए हैं वो शैतान के सारे काम नष्ट होने पाए। तेरे वचन में लिखा हुआ है ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्यों को समाप्त करे। तेरे वचन में लिखा हुआ है कि चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ। ओ प्रभु इन लोगों पर दया कर, तरस खा और इनकी जिंदगी बदल दे। जलाल तेरा छा जाए, जलाल तेरा छा जाए। अपने बच्चों पर दया करना प्रभु, तो इस समय बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना में लगे हुए हैं, ओ जिनके आंसू इस समय बह रहे हैं पिता, इन पर दया करना, इनकी प्रार्थनाओं को सुनना, इनकी खाली झोलियों को भरना, इनके ऊपर जो कर्ज है वो कर्ज प्रभु इसी समय खत्म करना। हम तेरी आराधना करते, हम तेरी स्तुति करते हैं अब्बा, हम तेरी तारीफ करते हैं यहोवा एलोहीम, यहोवा यीरे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इनको बदलना प्रभु जी, बदलना, इनकी जिंदगियों में मस्सा छाए रहना, चिन्ह चमत्कार करना। जो माताएं अपने बच्चों के लिए आंसू बहा रही हैं उनको छूना प्रभु, जिनकी शादियां नहीं होती हैं, रुकावटें हैं, यीशु के नाम से ऐसी सारी रुकावटें दूर होने पाए। जिनके गले खुलते नहीं है तेरी स्तुति में, ऐसे लोगों पर दया करना यीशु। हालेलुया हालेलुया, आनंद देना प्रभु, अभिषेक देना, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा, तेरी आराधना। इन सारी प्रार्थनाओं को अब्बा हम तेरे पुत्र यीशु के नाम में होकर मांग लेते हैं और एक आवाज से कहते हैं आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरे भाई मेरी बहन, जितने लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे और भी हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे, और आपको स्क्रीन पर
आप हमारे नंबर्स दिखाए जा रहे होंगे। यदि आपकी कोई भी गवाही है, प्रार्थना निवेदन है, आप हमें कॉन्टैक्ट करें, बताएंगे और दूसरों तक भी इन प्रार्थना को पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों, आत्मा में चलना सीखें। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु।